न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 दिवसीय नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है और इस कॉन्फ्रेंस में कई देशों के 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा गया है। उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, खास बात यह है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है, हमारे देश के दुनिया के गंभीर रूप से ध्यान से बहुत पहले आतंक की जो भयावहता इस सामना किया था। दर्शकों से अलग अलग नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमने हजारों बेशकीमती जाने गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है, ये कोई सीमा नहीं जानता। केवल एक साथ जीरो टॉलरेंस के साथ किया गया प्रयास ही आतंकवाद को हरा सकता है और सब जानते हैं कि आतंकवादी संगठनों को कई स्रोतों से पैसा मिलता है, जो पैसा मिलता है और कुछ देश जो है अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं और वे अपने राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। शाहजहांपुर में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के सत्संग कार्यक्रम में जमकर बवाल मचा है और यहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सत्संग स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया बल्कि यहां लगे पोस्टर और होर्डिंग को भी फाड़ दिया है। इसके बाद पुलिस ने इस रिकॉर्डेड सत्संग कार्यक्रम को रुकवा दिया और राम रहीम हत्या और रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इन दिनों वो पैरोल पर जेल से बाहर है। पुलिस के मुताबिक शाहजहांपुर के रेती में मौजूद एक मैरिज लोन में गुरुवार राम रहीम के रिकॉर्डेड सत्संग का आयोजन किया जा रहा था, तभी इसकी भनक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग गई और यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हंगामा कर दिया और सत्संग को बंद करवाने की मांग की है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को फोन कर कार्यक्रम की सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सत्संग को बंद करवाया है और पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम को बिना अनुमति लिए ही कराया जा रहा था और इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर लगे राम रहीम के पोस्टर और होर्डिंग को फाड़ दिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता राजेश अवस्थी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे पहुंचे हुए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अब पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तनवीर सादिक ने फारूक अब्दुल्ला के अध्यक्ष पद छोड़ने की पुष्टि की है। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस फैसले के पीछे का कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से ही अब पार्टी को लीड नहीं करना चाहते हैं। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खराब स्वास्थ्य अब पार्टी का नेतृत्व करने की इजाजत नहीं देता। वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे से अब पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना पड़ेगा और जानकारी के मुताबिक पार्टी 5 दिसंबर को नए अध्यक्ष के लिए चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल चुनाव नहीं होने तक फारूक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और उम्मीद है कि अब फारूक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान मिल सकती है। अमर सभी अभी तक जो पार्टी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने बताया है कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त ठंड महसूस होने लगी है। वहीं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल मौसम विभाग की माने तो आज 18 को
सुबह के वक्त ही दिल्ली का न्यूनतम जो तापमान रहा है वो 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। और IMD की माने तो आने वाले दिनों में पारा और भी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ही आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और आज दिल्ली के पालम स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लखनऊ और गाजियाबाद में आज कोहरा नहीं रहेगा। तो फिर मेनपुरी में संसदीय सीट के उपचुनाव प्रचार में पूर्व मंत्री और इसके साथ ही MLC स्वामी प्रसाद मौर्य जुट गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश और उनके सिफई में मौजूद आवास पर समर्थकों के साथ मिले हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ मेनपुरी संसदीय सीट से जुड़ी कई विधानसभा में अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और देर रात स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे और जहां उनसे चुनाव प्रचार के सिलसिले में बातचीत की गई। श्रावस्ती में कच्चे शराब कारोबारियों के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है और DM नेहा प्रकाश के आदेश पर अभियान चलाया गया है जिसमें आबकारी विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त टीम ने 70 लीटर अवैध कच्ची शराब और 240 किलो लहन बरामद किया है। वहीं पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ श्रावस्ती से सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाए, जिसके क्रम में आबकारी विभाग ने आबकारी निरीक्षक श्री अरविंद कुमार सिंह और उमाशंकर चौधरी और बलराम सिंह की संयुक्त टीम द्वारा थाना न्यू मॉडल श्रावस्ती के ककरा गांव में दबिश दी गई, जहां दबिश के दौरान 70 लीटर शराब बरामद की गई और 240 किलोग्राम लहन भी मौके पर नष्ट कराया गया। इनके खिलाफ 5 लोगों के अभियोग मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर दी गई है, जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। जी सूर्य प्रकाश, ये कब से कारोबार इनका चल रहा था अवैध शराब का? लगातार पिछले 2 महीने से जब से जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने आबकारी विभाग को आदेश दिया है कि अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत आबकारी विभाग लगातार ऐसी कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें अवैध शराब बनाने वाले उपकरण और लहन मौके पर बरामद किया गया है और उसको की गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। जी सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। श्रावस्ती में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात CHO को लैपटॉप मिला है। आपको बता दें कि भिनगा में मौजूद CMO कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें CMO डॉक्टर SP तिवारी ने लैपटॉप और प्रिंटर दिया है। साथ ही 104 CHO में से 88 को ये उपकरण वितरित किए गए हैं। आपको बताते चलें कि CMO ने कहा है कि शेष 16 CHO को जल्द उपकरण दिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक अजीब किस्सा सामने आया है, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी 10,000 रुपए की जमानत राशि चिल्लर के रूप में लेकर नामांकन करने पहुंचा, लेकिन जमानत राशि के रूप में 10,000 रुपए की ये चिल्लर इस निर्दलीय प्रत्याशी की ना ही
ट्रेजरी में जमा हो सके और ना ही बैंक में, जिसके चलते मायूस होकर ये प्रत्याशी नामांकन स्थल पर ही अपने साथियों के साथ इस चिल्लर को लेकर धरने पर बैठ गया। दरअसल आपको बता दें कि आज मनीष चौधरी नाम का एक व्यक्ति खतौली विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए जिला कलेक्टर पर 10,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में 1-1 रुपये के चिल्लर लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि नामांकन के लिए घंटों तक चक्कर काटने के बाद इस निर्दलीय प्रत्याशी की जमानत राशि ना ही तो ट्रेजरी में आ रही थी और जमा हो सक रही थी और ना ही बैंक में, जिसके चलते इसका नामांकन दाखिल नहीं हो पाया और जिसके चलते मायूस होकर ये निर्दलीय प्रत्याशी मनीष चौधरी नामांकन स्थल पर ही अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गया। आपको बता दें कि इस दौरान मनीष चौधरी ने बताया कि गरीब मजदूरों की पीड़ा देखने के बाद वो गांव-गांव और घर-घर गया और किसान मजदूर के पसीने की कमाई में 1-1 रुपया ये उन्होंने इकट्ठा किया, जिसके लिए उन्हें 1 महीने का समय लग गया और इकट्ठा की गई 10,000 रुपये की इस चिल्लर को लेकर ही आज मनीष चौधरी नामांकन करने के लिए पहुंचा था। और बहरहाल धरने पर बैठे मायूस मनीष चौधरी को आला अधिकारी द्वारा घंटों की मशक्कत के बाद समझा बुझा कर धरने से उठा दिया गया है। भाई नामांकन करने आया था मैं, मैंने जो है गरीब मजदूरों की पीड़ा देखी, मैं गांव-गांव गया और जो किसान मजदूर के पसीने की कमाई है घर सहित 1 रुपया लिया मैंने। हाँ जी, 10,000 रुपये जहाँ मेरे पूरे हो गए, मैं 10,000 रुपये इकट्ठे करके यहाँ आया, ठीक है जी, और मैं साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारी ट्रेजरी में पैसे जमा कर लो। मछली फाटक निवासी विवाहिता को परिजन ने जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया और जहां अचानक उसकी मौत हो गई है। जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया है और परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस विषय में परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 9 बजे महिला को सही सलामत डिलीवरी के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंदर OT में ही ले जाकर डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया और उसने दम तोड़ दिया। और इसी खबर पर मथुरा से संवाददाता पिंटू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, पूरा मामला क्या है? तो पिंटू से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मथुरा से खबर सामने आई है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी बताई जा रही है परिजनों के द्वारा। बता दें आपको कि जानकारी के अनुसार परिजनों में अब कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है और इस विषय में ही परिजन ने जानकारी देते हुए बताया है कि करीब सुबह 9 बजे महिला को सही सलामत डिलीवरी के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अंदर OT में ले जाकर डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया और उसने दम तोड़ दिया। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मछली फाटक निवासी विवाहिता को परिजनों ने जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, लेकिन महिला की अब जान जा चुकी है, जहां अचानक उसकी मौत हुई थी और जानकारी के अनुसार परिजनों में अब कोहराम मचा हुआ है और परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं लगातार परिजन और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा से संवाददाता पिंटू हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। पिंटू, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। जी, मैं आपको बता दूं, ये महिला 25 वर्ष की महिला है, कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत फाटक की रहने वाली है। ये सुबह अपने डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से इसकी कल शाम को 9 बजे इसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के महिला असल में OT में भर्ती कराई, तब भी डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाते ही दम तोड़ दिया। जी, और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है, क्या जानकारी अभी? देखिए, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस जांच कर रही है और डॉक्टरों पर CMS ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
जी, डॉक्टरों की तरफ से कोई बचाव में कोई बयान सामने आया है? डॉक्टरों ने बताया कि हमने पूरा प्रयास किया था, पर कुछ कमी कुछ कमजोरी थी महिला के अंदर, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। जी, और वहाँ पे लोगों का प्रदर्शन भी जारी है क्या इसको लेकर? देखिए, अब जिस तरह की महिला की जो मौत हुई है, तो लोगों में आक्रोश है, और लगातार जो लोग हैं परिजन हैं और सीएम कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं कि जिस तरह महिला की जो मौत हुई है और आरोप भी लगा रहे हैं डॉक्टरों पर, जब कहीं ना कहीं डॉक्टरों की पूरी तरीके से लापरवाही है, जिससे कि एक महिला की मौत हो गई। इस महिला की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। जी पिंटू, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लगातार परिजन जो है वो अस्पताल में मौजूद है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। फरुखाबाद रोड पर चल रही DCF आग का गोला बन गई है, और आपको बता दें कि गाड़ी में ही लगी भयंकर आग की लपटों को देखकर रोड पर हड़कंप मच गया है। DCM में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। तो फरुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है, वहीं बताया जा रहा है कि आग की घटना के बाद जो आसपास के ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाया। फरुखाबाद से संवाददाता आदर्श यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, जिस तरह से घटना सामने आई है कि DCM में आग लग गई है और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, किस तरह से ये आग लगी? देखिए, मैं बता दूं, अचानक ये जो है रोड पर चलती हुई डीसी में एकदम भयंकर आग लग गई, जिससे आग लगने से हड़कंप मच गया है, वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया है और भयंकर आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया है। काफी देर तक धूं धूं कर ये DCM जलती हुई जिस तरीके से जली, उस तरीके से आसपास की बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर आग को काबू किया, DCM जलकर साफ हो गई है। जी आदेश, ये करीब कितने समय की बात है, कितने बजे ये आग लगी है? देखिए, मैं बता दूं, सुबह लगभग 5:30 बजे का समय था। ये जो है DCM का नाम जो है रुड़की से शिकार को जा रही थी DCM, तभी ये जो है फरुखाबाद नवाबगंज मार्ग पर का नाम जो है एकदम अचानक में आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, काफी संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लगी। उसके बाद DCM जो है जलकर राख हो गई है। मौके पर काफी देर तक सूचना देने के बाद मौके पर नहीं पहुंचे, ग्रामीणों के पहुंचने पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। जी आदेश, इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है? देखिए, मैं बता दूं, किसी की कोई भी हताहत होने की खबर नहीं। ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई है और DCM जलकर राख हो गई है। जी आदेश, इसमें कितने तक का नुकसान हो गया होगा लगभग? देखिए, मैं बता दूं, पूरी गाड़ी जो है जलकर राख हो गई है। लगभग गाड़ी की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होगी, जिस तरीके से ये जलकर राख हो गई है। काफी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, लेकिन जो है किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरदोई ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है और वहीं एक युवक जो है वो घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बेटी के जन्मदिन के लिए बाइक सवार केक लेने गया था और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, हरदोई से खबर है, जहां पर बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने जा रहे दो युवकों की बाइक सवार पर मौजूद थे और उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक युवक इसमें घायल भी है। आपको बता दें कि हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है और ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। हरदोई की खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है और जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो गया। हरदोई ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया है। आपको बताते चले कि बेटी के जन्मदिन के लिए बाइक सवार केक लेने गया था और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने
कोहराम मच गया है। हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरह से मामला सामने आया है कि बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है। जी, मैं आपको बता दूं, हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये पाली थाना क्षेत्र के बरखनी मार्ग पर हादसा हुआ है। ये जिनका हादसा हुआ, ये अपनी बेटी के लिए, इनकी बेटी का जन्मदिन था, तो अपने साथी के साथ में केक लेने जा रहे थे कि तभी रास्ते में तेज रफ्तार जो ट्रैक्टर ट्राली थी उसकी टक्कर से इनकी मौत हो गई दोनों की। जी आशिफ, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है अभी तक? नहीं, अभी गिरफ्तारी इसमें कोई नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी आशिफ, जिस तरह से बताया जा रहा है कि युवक जो है वो केक लेने जा रहा था और बाइक पर कितने लोग सवार थे, क्योंकि दो लोग घायल बताए जा रहे, दो लोगों की मौत बताई जा रही है और एक घायल बताया जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं, बाइक पर 3 लोग सवार थे, उसमें 2 की मौत है और 1 घायल है। जी, तो बाइक पर 3 लोग सवार थे आशिफ? जी, बाइक पर 3 लोग थे और ये अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहे थे कि तभी ये हादसा हुआ रास्ते। जी, और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है आशिफ इस बारे में? पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने खेत में काम कर रही महिलाओं पर फायरिंग कर एक महिला को घायल कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि आए उसके पुत्र को लाठी डंडे से जमकर पिटाई भी कर दी है और अधमरा कर छोड़ भी दिया है। इसके बाद दबंग कार से फरार हो गए, जिसका वीडियो कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। इस मामले में थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि महिला को गोली मारकर घायल कर उसके बेटे को लाठी डंडे से पिटाई कर दिया गया और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि फतेहपुर में ही जमीनी विवाद को लेकर यह मामला सामने आया था और जहां पर जमीनी विवाद में दबंगों ने गोली मारी है। आपको बताते चले कि फतेहपुर में ही जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने खेत में काम कर रही महिलाओं पर फायरिंग कर एक महिला को घायल कर दिया और साथ ही वहां उसके पुत्र को भी लाठी डंडे से पिटाई कर अधमरा कर दिया है। इसके बाद दबंग कार से फरार भी हो गए हैं, जिसका वीडियो कैमरे में कैद कर वायरल भी कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत गंभीर देख डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया है और इस मामले में थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि महिला को गोली मारकर घायल कर उसके बेटे को लाठी डंडे से पिटाई कर दिया गया और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, जमीनी विवाद को लेकर दबंगई का मामला सामने आया। बबलू सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 पहुंच रही है। जी, फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला पर गोली चला दी है और उसके बेटे पर भी लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया है। जी, ये फतेहपुर जिले के ललौली क्षेत्र का पूरा मामला है। ये महिला जो बता रही, जमीनी विवाद को लेकर के दबंगों ने गोली मारी थी और आरोप लगाया है तो इन्हों के परिजनों ने कि जी बता रहे थे कि जी जी आवाज कट रही है मैम। जी 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 आप बताइए, आपकी आवाज मेरे पास तक पूरी पहुंच रही है। जी, ये मामला पूरा ललौली क्षेत्र के ललौली थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है
कि जमीनी विवाद हुआ, 6 साल का विरोध करने पर इनका पुराना मामला चल रहा था और इसके मामले को समझौता बनाने के लिए आरोपी दबाव बना रहे थे, जहां पर ये दबाव न मानने पर गोली मार दी गई है। जी, और परिजनों का क्या कुछ कहना है बबलू सिंह इसको लेकर? परिजनों का ये कहना है कि ये बराबर दबाव बना रहे थे, अभी तक न मानने पर ये गोली चलाई गई है, ऐसा पूरा प्रकरण सामने आया है। जी, और जो आरोपी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो फरार चल रहे हैं, उसकी तलाश अभी जारी है। जी बराबर, पुलिस जगह जगह पर नाकाबंदी करके और छापेमारी कर रही है, जैसे ही जानकारी मिलेगी वैसे पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। फिलहाल पीड़ितों के क्या हालात है उनकी, अगर उनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो? जी, जिला अस्पताल से ये इलाज के दौरान इनका कानपुर रिफर कर दिया गया था, हालत नाजुक बताई जा रही है। जी बबलू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फतेहपुर में ही जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने खेत में काम कर रही महिलाओं पर फायरिंग कर दी थी और उसके बेटे को भी अधमरा कर छोड़ दिया था। आपको बताते चले कि इसके बाद दबंग मौके से फरार भी हो गए थे, जिसका वीडियो कैमरे में कैद कर वायरल भी कर दिया गया था और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ दोनों की हालत देख कर ही डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया और इस मामले में फिलहाल जाँच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।